कीवी टेक के इस नए वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्राइटिंग, ग्राउटिंग और शॉर्ट किट में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि कई बार हमको लगता है ये सब एक ही है। तो इसीलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा जिससे आपको पता लग पाए ये सब क्या है। इससे पहले भी मैंने टर्मिनोलॉजी पर, जिसपे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाए हैं। अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले जानेंगे ग्राउटिंग के बारे में। Grouting is the process of placing a material into cavities, cracks in rock mass, soil, concrete or masonry structure for the purpose of increasing the load bearing capacity of a structure. किसी material या binding material का किसी structure के cavity या cracks में भरने को ही क्या बोलते हैं हम, ग्राउटिंग। और ऐसा क्यों करते हैं? जाहिर सी बात है, जब कैविटी और क्रैक्स को भर देंगे किसी बाइंडिंग मटेरियल से तो उसकी स्ट्रेंथ या लोड बेयरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। यहां पर ग्राउटिंग में जो ये वर्ड है ग्राउट, इसका मतलब होता है ग्राउट इज ए मिक्सचर ऑफ वाटर, सीमेंट एंड ऑप्शनल मटेरियल लाइक सैंड, वाटर रिड्यूसिंग एडमिक्सचर, एक्सपेंशन एजेंट्स एंड पोजलानास। इसका मतलब कैविटी और क्रैक को भरने के लिए आप जो ग्राउटिंग प्रोसेस करते हैं उसमें जो आप मटेरियल यूज करते हैं उसे बोलते हैं हम ग्राउट। और ये मिक्सचर किसका होता है? वाटर का, सीमेंट का। इसके अलावा भी उसमें बहुत से ऑप्शनल मटेरियल मिले हुए रहते हैं जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाए। तो इससे हमें पता चला कि आसान भाषा में ग्राउटिंग का मतलब क्या है, कैविटी को, क्रैक्स को, जो दरार पड़ी हुई है उन्हें भरना ही क्या कहलाता है, ग्राउटिंग। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ग्राउटिंग के। इमेज में आप देख सकते हैं ये महाशय क्या कर रहे हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि जब आप टाइल्स लगाते हैं तो दो टाइल्स के बीच में हल्का सा गैप रह जाता है, ठीक है। तो उस गैप में क्या करते हैं हम, सीमेंट मोर्टार या कोई भी हम मटेरियल फिल करते हैं, तो ये भी कहलाता है आपका ग्राउटिंग। इसी तरह जब आप स्टील का कॉलम लगाते हैं तो इसका जो कंक्रीट बेड होता है उसके साइड साइड में हल्का सा गैप होता है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं हम, मोर्टार भर देते हैं, फिल कर देते हैं, तो इसे भी कहते हैं हम ग्राउटिंग। अब आप इन भाई साहब को देख सकते हैं, ये क्या कर रहे हैं, क्रैक्स को भरने के लिए इन्होंने एक कुछ अजीब सा इंस्ट्रूमेंट जैसे बंदूक जैसा कुछ लिया है। उसका रीज़न है क्योंकि आपको पता है कि अगर आप गैप्स को, क्रैक्स को या कैविटी को नॉर्मली ऐसे ही जैसे फर्स्ट इमेज में आपको दिखाई दे रहा है ऐसे आप अगर फिल करेंगे तो आपका जो मटेरियल है वो अंदर तक, यानी क्रैक के बिल्कुल अंदर तक पेनिट्रेट नहीं होगा। तो इसलिए इन भाई साहब ने क्या करा, इसे इंजेक्ट किया, मतलब कि प्रेशर के साथ क्रैक्स में मटेरियल को डाल रहे हैं। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राउटिंग क्या है। अगर हम ग्राउटिंग के टाइप्स की बात करें तो इमेज में आप देख सकते हैं इसके बहुत से टाइप्स होते हैं, जैसे कि परमिएशन ग्राउटिंग, कंपैक्शन ग्राउटिंग, हाइड्रोफ्रैक्चर ग्राउटिंग, जेट ग्राउटिंग, रॉक ग्राउटिंग, कंपनसेशन ग्राउटिंग एंड डीप मिक्स ग्राउटिंग। तो किस जगह पर आपको ग्राउटिंग करनी है और किस पर्पस के लिए, उसके अकॉर्डिंग हम अलग अलग ग्राउटिंग के टाइप्स को डिफाइन करते हैं। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा ग्राउटिंग का मतलब क्या है। सिंपल शब्दों में ग्राउटिंग का मतलब होता है आपके जो क्रैक्स है, जो आपके गैप है या होल है, उसे फिल करना ही कहलाता है ग्राउटिंग। ग्राउटिंग में आप एक बात का ध्यान रखेंगे, ग्राउटिंग नॉट डन बाय सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसका मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये जो स्ट्रक्चर था ये आपने M20 ग्रेड के कंक्रीट से बनाया था, अब इसमें आ गया क्रैक, तो आप क्रैक में जो मटेरियल फिल करेंगे, जो ग्राउटिंग करेंगे, वो M20 से ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि सेम ग्रेड ऑफ कंक्रीट या स्ट्रक्चर या उससे कम पर नहीं ग्राउट करते हैं, उससे ज़्यादा पर ग्राउट करते हैं जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़कर आए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्राइटिंग एंड शॉर्ट किट। द प्रोसेस ऑफ स्प्रेइंग ए मिक्स और मोर्टार और कंक्रीट टू ए सर्फेस ऑफ एप्लीकेशन विद द हेल्प ऑफ ए स्प्रे गन। आपका जो कंक्रीट, मोर्टार या मिक्स है उसे मोल्ड में या आपका जो बार है, बार का जो नेट है, उसमें काफ़ी विलोसिटी के साथ, काफ़ी प्रेशर के साथ स्प्रे गन के द्वारा डालना ही इसे बोलते हैं ग्राइटिंग या शॉर्टकिट। इमेज में आप देख सकते हैं ये महाशय क्या कर रहे हैं, कंक्रीट को एक, इनके हाथ में एक स्प्रे गन है, इसके द्वारा काफ़ी प्रेशर के साथ क्या है, कंक्रीट को स्टील बार के नेट में पेनिट्रेट करा रहे हैं। आप सभी को पता है जब आप कंक्रीटिंग कर लेते हैं उसके बाद क्या होता है, आप उसे कंपैक्शन करते हैं, किससे, वाइब्रेशन, जो आपका निडिल होता है, ठीक है। लेकिन आपने स्टार्टिंग में ही आपने जो कंक्रीटिंग को फिल किया वो काफी प्रेशर के साथ फिल किया, तो जाहिर सी बात है बीच में गैप कम होगा, वॉइड कम होगा, जिससे आपके स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ, बियरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। द शॉर्टक्रीट कैन बी कैरीड आउट
विद ए ड्राई मिक्स और ए वेट मिक्स। आपका जो शॉर्टक्रीट होता है वो ड्राई मिक्स के साथ या वेट मिक्स के साथ फिल होता है। इट केम टू नो दैट द ड्राई शॉर्टक्रीटिंग प्रोसेस इज कॉल्ड एज गुनाइटिंग। दिस इज हाउ शॉर्टक्रीट एंड गुनाइटिंग डिफर्स। सम कंट्रीज नेवर यूज द वर्ड गुनाइट, इनस्टेड यूजेस ड्राई शॉर्टक्रीटिंग प्रोसेस। अब आप यहां से ये समझेंगे कि शॉर्टक्रीट और गुनाइटिंग में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अभी आपने पढ़ा कि शॉर्टक्रीट में जो मिक्स यूज करते हैं, एक होता है ड्राई और एक होता है वेट। अगर आपने ड्राई मिक्स यूज किया है शॉर्टक्रीटिंग में तो उस प्रोसेस को बोलते हैं गुनाइटिंग, और अगर आपने वेट मिक्स यूज किया है तो उसे नॉर्मली शॉर्टक्रीट ही बोलेंगे। आई होप अब आपको समझ में आ रहा होगा। एक्चुअल में क्या है, कुछ कंट्रीज में क्या है, जो ये गुनाइट वर्ड है ना, इसका यूज नहीं करते हैं वो लोग। उसका रीजन है क्योंकि ये जो गुनाइट वर्ड है इसमें ऐसे लगता है ना कि जैसे किसी को गन से उड़ाने की बात हो रही हो। पता चले आप साइट पर हैं और आपने बोला कि गुनाइट कर दो, ठीक है, उसने पता चला 2-3 को लुढ़का दिया और बाद में वही बोलेगा कि आपने कहा था गुनाइटिंग कर दो, मैंने ठोक दिया 2-3 को। तो इसी वजह से जो ये गुनाइटिंग शब्द है इसे कुछ कंट्रीज में यूज नहीं करते, शॉर्टकटिंग यूज करते हैं। लेकिन जहां पर गुनाइटिंग की बात आती है तो वहां वो बोलते हैं ड्राई शॉर्टकटिंग। इन शॉर्टक्रीट वेट मिक्स वी यूज कोर्स एग्रीगेट। हम शॉर्टक्रीट में थोड़ा सा कोर्स एग्रीगेट यूज करते हैं एज कंपेयर टू गुनाइटिंग। नोजल वेलोसिटी लेस देन 140 मीटर पर सेकेंड। आपके जो मिक्स की वेलोसिटी होनी चाहिए 140 मीटर पर सेकेंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। क्या आपको पता है लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ कॉलिमेशन, ट्रूनियन एक्सिस और थियोडोलाइट वर्टिकल एक्सिस में क्या डिफरेंस होता है? अगर नहीं पता है तो मैंने इस टॉपिक पर वीडियो बना दिया है, जरूर देखिएगा। इस वीडियो के लास्ट में आपके लिए एक प्रश्न, डिफरेंस बिटवीन एब्रेशन एंड एट्रिशन। एब्रेशन और एट्रिशन में क्या फर्क होता है आप कमेंट करके बताइए। दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसे ज्यादा से ज्यादा दोस्तों लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे।